हाय ऑल, मैंने आज सार्डिन फिश की ग्रेवी बनाने के लिए सार्डिन फिश लिया है और ऑनियन और टमाटो, कड़ी पत्ता और इमली के पानी लिया है। अभी एक पैन पे तेल डाले, 1 टीस्पून तेल डालकर गरम करना है। फिर हमें मस्टर्ड सीड्स, जो सरसों के बीन्स जो बोलते हैं, वो डाल देना है 1/2 चम्मच। वो गर्म होने के बाद मेथी जो है थोड़ा सा डाला है, वो भी 1/2 चम्मच लेना है। दोनों अच्छे से गर्म होने के बाद हमें उस पे ऑनियन ऐड कर देना है। मेथी की बीन जो है डालने से अच्छी खुशबू आती है ग्रेवी में, इसीलिए डाला है। तो ये दोनों अच्छे से गर्म होने के बाद हमें ऑनियन डालना है। मैंने यहाँ पे 1 2 ऑनियन लिया है, 2 प्याज लिए और थोड़ी सी कड़ी पत्ता लिया है। कड़ी पत्ता भी डालने से ना ग्रेवी में अच्छे से खुशबू आता है, अलग सा ही एक टेस्ट होता है। और कड़ी पत्ता जो है आँखों के लिए भी बहुत ही अच्छा है। आँखें जो है हमारे तेज़ बनाते हैं कड़ी पत्ता। तो इसे हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है, अच्छे से ब्राउन कलर आए तक ढक करके थोड़ी देर रख के अच्छे से पका लेना है। 1-5 मिनट के बाद फिर से मैंने ओपन करके देखा है, तो फिर अच्छे से और ब्राउन होना है, अच्छे से और पकना है। बीच में देखते रहना है, नहीं तो फिर जलने की चांसेस रहती है, तो हमें उसे मिक्स करते ही रहना है। अभी देखिए अच्छा ब्राउनिश कलर आ गया है। अब इसके बाद हमें जो कट करके रखा है टमाटो ऐड कर देना है। टमाटो जो मैंने 1 से 2 टमाटो लिया है, उसी को भी ऐड कर दूंगी। अभी ये टमाटर भी अच्छे से पकने के बाद उसमें जो पाउडर वगैरह है वो मिक्स कर लूँगी। ये जो ग्रेवी है सार्डिन फिश की, सार्डिन मतलब ये तारली बोलते हैं हम इधर हिंदी में, तो अलग अलग स्टेट पे अलग अलग नाम होता है। कन्नड़ में तारली बोलते हैं, मलयालम में उसको मत्ती बोलते हैं, ऐसे अलग अलग नाम बुला जाता है अलग अलग स्टेट पे। तो इसे देखिए टमाटर भी अच्छे से पक गया आ गया है। अभी इसमें मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है, फिर धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून डाला है, और स्वादानुसार जो आपकी तेज़ आएगी हिसाब से आप जब भी बनाएंगे मिर्ची पाउडर डालना है। मैंने यहाँ पे 1.5 स्पून चिल्ली पाउडर डाला है, मिर्ची पाउडर। अब ये सबको अच्छे से हमें मिक्स करके लेना है। उसका जो कच्चा जो स्मेल रहता है ना, वो गए तक अच्छे से उसे मिक्स कर लेना है हमें, जो मसाला है उसे। फिर अपने हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से उस पर पानी डालना है। फिश में से भी ना मच्छी जो पानी है छूटता है जो मच्छी से, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर, ये मेरे अभी रमज़ान चल रहा है ना रोज़े के लिए, तो सुबह सहरी के लिए मुझे यूज़ होता है, तो इसीलिए मैंने ग्रेवी जैसा बना लेती हूँ। थिकनेस नहीं रखती हूँ मैं, तो पहला इमली के पानी, जो इमली का पानी रखा था वो इमली अच्छे से मिक्स करके उसके पानी डालना है। उसके बाद हमें जैसे हिसाब से चाहिए उस हिसाब से पानी डाल देना है। अब इसको भी अच्छे से मिक्स करके लेना है। ये पानी का क्वांटिटी देख करके और आपको जितना पानी चाहिए उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अभी जो है पानी ऐड कर लूँगी मैं, ये थोड़ा थिकनेस आ गया है इसमें, तो मुझे जैसे फिश पकने के लिए भी और रोटी के साथ और चावल के साथ भी मैं खा सकूँ, उस हिसाब से मैं पानी भी रख लेती हूँ इस पे ग्रेवी में। अभी इसको ढक करके थोड़ी देर पकने के लिए देना है हमें। नमक भी अपने स्वादानुसार, जैसे टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देना है। अब हम इसे मिक्स करके थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देंगे, 1-2-3 मिनट्स अच्छे से बॉईल आए तक। उसके बाद उसमें फ़िश मिक्स करने का है, फ़िश मिक्स करके और 5-10 मिनट्स, जब तक मच्छी कुक नहीं हो जाते, पक नहीं जाते, हमें फिर से पका लेना है। अभी देखिए मैंने थोड़ी देर के लिए रखा था, अभी अच्छे बॉईल आ गया है। अभी मैं मच्छी मिक्स करके और थोड़ी देर पका लूँगी। जितने मच्छी के ये जो
सार्डिन फिश है ना, इसके ऐसी ग्रेवी बहुत ही अच्छे लगता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो थोड़ा तीखा भी खट्टा भी सब कुछ हो बराबर के हिसाब से तो बहुत ही टेस्ट लगता है। अभी देखिए इसे हमें अच्छे से पका लेना है, 5 मिनट्स या 10 मिनट्स। अभी मैंने यहाँ पे 5-10 मिनट्स के लिए रखा था, अभी देखिए अच्छे से कुक हो गया है। फिश भी देखिए, और ये फिश फूटना नहीं चाहिए, उस हिसाब से देख करके हमें बॉईल करना है उसे। अभी अच्छे से कुक हो के बन के आ गए, ग्रेवी हमारे तैयार हुआ है। अभी इसे मैं सुबह सहरी के साथ में, देखिए रोटी के साथ में ले रही हूँ, आप भी चावल या रोटी के साथ खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरे वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। अगले वीडियो लेकर जल्दी आऊँगी, तब तक के लिए बाय।